तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तुला राशि वालों, भगवान भोलेनाथ जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि हे प्रभु भगवान भोलेनाथ जी, आप सभी को बराबर खुशियां देना, सभी का घर परिवार खुशहाल रहे। भगवान भोलेनाथ जी, हमारी आपसे इतना ही अनुरोध है। तुला राशि वालों, देवों के देव भगवान महादेव जी का निराला खेल शुरू हो चुका है। आज दोपहर 3:59 के उपरांत बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आपकी राशि वालों के जीवन में दस्तक देंगी। जी हाँ, इसी को कहते हैं भगवान जी का निराला खेल, अपनी आंखों से देख लो। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3:59 के उपरांत बहुत बड़ा सरप्राइज आपकी राशि वालों को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था ना, बहुत ही जल्द आपकी राशि वालों का किस्मत बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इस दुनिया में समय बहुत ही बड़ा बलवान है। जी हाँ दोस्तों, ये समय से बड़ा बलवान इस धरती पर कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो दोस्तों आपके जीवन में सब कुछ सही होगा, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। और जिस भी चीज़ को छुओगे, अपने हाथ में लोगे, वो चीज़ सोना बन जाएगा। जी हाँ, यानी कि मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये समय बहुत ही बड़ा बलवान है, इस समय सब कुछ बदल देता है। इसलिए कद्र हमेशा समय की होती है, लेकिन कुछ लोग इसे अपना समझ लेते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 3:59 के उपरांत आपकी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किस तरह से आज आपके जीवन में देवों के देव भगवान महादेव जी का निराला खेल शुरू होने वाला है, कौन कौन सी सरप्राइज आपको मिलेगा, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में प्रदान करेंगे। इसलिए दोस्तों हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, इसे अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे शिव भक्त और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त अपने जीवन में सदा सदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, तो आप प्रेम से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा भोलेनाथ लिखकर हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है हर खबर डंके की चोट पर। तुला राशि वालों, तकरीबन आज दोपहर 3 बजे के बाद देवों के देव भगवान महादेव जी का निराला खेल शुरू होगा। जी हाँ, और जब देवों के देव भगवान महादेव जी का निराला खेल शुरू होगा तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही बड़ा लाभ होगा, आपके बैलेंस में वृद्धि होगी, सरप्राइज मिलेगी और आपको अपने धन व्यापार में अधिक से अधिक लाभ होगा, गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा और हर एक क्षेत्रों में आज आपको लाभ होगा। क्योंकि दोस्तों आज का दिन उत्तम रूप से आपके लिए फलदायक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको नौकरी में तरक्की मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, और यदि आपने किसी से कोई वादा किया हुआ है तो आप उसे भी समय रहते पूरा करें, नहीं तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं। साझेदारी में किसी काम की शुरुआत करने से पहले आप अपने पार्टनर की पूरी जांच पड़ताल करें, क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी किसी मन की इच्छा पूर्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कामों को समय रहते पूरा करें और आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वही दोस्तों,
आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कारोबार में आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। जी हाँ दोस्तों, आंख मूंद कर किसी के ऊपर अगर आज के दिन भरोसा करोगे तो आज आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और व्यापार कर रहे लोग अपने रूटीन को बनाए रखें, यदि उन्होंने उसमें बदलाव किया तो उन्हें समस्या हो सकती है। सेवा क्षेत्र से जुड़कर आप अच्छा नाम कमाएंगे। आपको अपने विरोधियों से किसी जरूरी जानकारी को लेकर बातचीत नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए रहेगा। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अध्ययन और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी डील को फाइनल करने से पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, नहीं तो आज आपको धोखा का जो है मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ नए मित्र बनाने में कामयाब रहेंगे। पिताजी से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह भी दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, परिवार में यदि आप किसी को कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको आवेश में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आवेश में आकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे तो दोस्तों आज आपको समस्या हो सकती है, और पारिवारिक मामलों में आप हंस बोलकर आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दोस्तों, आप किसी की बातों में आकर कार्य क्षेत्र में किसी से कोई वादा ना करें। जी हाँ दोस्तों, रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को बेहतर अवसर हाथ लगेगा। जी हाँ, संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। महिलाएं मित्र से आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑफिस में या फिर कहीं पर भी बाहर में काम कर रहे हैं तो आज आप किसी भी महिला मित्र से सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज आपके ऊपर कोई गलत आरोप लग सकता है या फिर किसी दूसरों की परेशानी में आप पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज आपको विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, आप अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको काफी सुकून मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर भक्ति पूजा पाठ में कुछ समय जरूर दें, इससे आपको नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ, इससे मन आपका शांत रहेगा, भगवान जी खुश होंगे, और आपके पास जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, बार बार आपको परेशान करती है, इससे भी आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा, आपके ऊपर हावी नहीं होने पाएगा। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आज आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, जिससे मन आपका काफी प्रसन्न रहेगा। जी हाँ, लेकिन आज आप ध्यान रखें, आपका जो विरोधी है, आपका जो शत्रु है, वो आज आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। अगर आप बिना सोचे समझे उनकी बात मान लेंगे तो आप उस पर चलेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ, और वैवाहिक जीवन में चल रहे विरोधों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको किसी बाहरी व्यक्ति से अपने मन की बातें शेयर करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, व्यापार कर रहे लोग बड़े मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तभी उन्हें अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती हैं।
निजी जीवन में आप तालमेल बिठा कर रखेंगे और किसी डील को आज बहुत ही सोच समझकर फाइनल करें और किसी के कहने में आकर कोई निर्णय ना लें, नहीं तो आगे चलकर आपको परेशान होना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है। जी हाँ, सफलता तो मिलेगी लेकिन आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप हार मान गए तो आप बिखर जाएंगे और अगर मेहनत करके आगे बढ़ गए तो आज आप निखर जाएंगे। जी हाँ, मौका बढ़िया है, चौका मारने का समय आ चुका है। आपके आमदनी बढ़ने से आप जो है प्रसन्न रहेंगे। यदि कुछ कार्य में रुकावटें आ रही थी तो उससे आपका मन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगा। धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे लेकिन आपका कोई साथी आज आपसे किसी बात को लेकर समस्या खड़ी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, खासकर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए समय तो सोने पे सुहागा होने वाला है। मित्रों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकती हैं। आपको किसी काम की अच्छे से छोटी दूरी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आप अपने भाई बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको कारोबार में तरक्की मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है लेकिन आज के दिन अगर आप किसी को धन उधार दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा, नहीं तो आपका धन डूब भी सकता है। क्योंकि सितारे आपको संकेत दे रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा सावधान रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, उतना आपके लिए ही बेटर रहेगा। जी हाँ, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है और आपको रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और आपके विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि आपके तेज को देखकर आज वह आपसे लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि बनी हुई है, विरोधी कोई शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप यदि किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें माता पिता से सलाह मशवरा अवश्य करें। आपको आज दिल और दिमाग दोनों को सोच समझकर ही कुछ योजना को बनाना बेहतर रहेगा। जी हाँ, कई बार आप जल्दबाजी में हड़बड़ी में आकर कोई गड़बड़ी कर देते हैं, कोई गलत फैसला ले लेते हैं जिनका खमियाजा आपको आगे चलकर दिक्कत होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको दिल और दिमाग से शांति से सोच समझकर ही काम करना बेटर रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस समय आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। बस मन को शांत रखिए, एकांत जगह में जाकर समय व्यतीत करिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर में खुशखबरी आपको मिलेगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था तो वह पैसा धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके संतान को नौकरी लग सकती है और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उन लोगों को नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। देखिए दोस्तों, अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वहाँ से आपको बड़ा लाभ होने वाला है। जिनके बारे में आप एकदम भुला चुके थे, एकदम अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में वो हो जाता है जिनके बारे में हम कभी सोचे नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पारिवारिक मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि लंबे समय से आप किसी काम की योजना बना रहे थे तो आपका वह काम आज पूरा हो सकता है।
और यदि आप बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को भी शामिल करेंगे तो भविष्य में वह आपको अच्छा लाभ अवश्य देंगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आप लॉटरी सट्टे में अपने धन को निवेश करना चाहती हैं तो आज आप दोपहर के बाद ही निवेश करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें आपको लाभ मिलने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। आप अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर आज परेशान रहेंगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा, लेकिन आप किसी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो वो आज आपको धोखा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर आज के दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, आप अपने जरूरी कामों को जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा। जी हाँ, पिताजी से आपको किसी काम को लेकर डांट फटकार सुननी पड़ सकती है, डांट खानी पड़ सकती है, लेकिन वह आपके भले के लिए होंगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपके कुछ विरोधी आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगी, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि को मात देने में कामयाब रहेंगी। आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो आपकी वह चिंता आज समाप्त होगी और आपको आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आज सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी और सफलता सीधे सीधे आपकी कदम चूमेगी। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। जी हाँ, यदि आप परिवार की समस्याओं को लेकर किसी से कोई धन उधार लेना चाहती हैं तो वह आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वह बाधा आज आपके मित्र की मदद से दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे पिताजी से आपने अपनी किसी मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा, तभी आने वाले समय में उन्हें एक बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी, आज का दिन आपके लिए कोई निर्णय बहुत ही सावधानी से लेने के लिए रहेगा। बच्चे के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती में समय को व्यतीत करेंगी, जिससे आपको यदि किसी बात को लेकर टेंशन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। देखिए दोस्तों, आप अपना कुछ समय अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ जरूर बिताएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप कोई काम करने से पहले सोच विचार करेंगे तो उसमें आप सफल अवश्य होंगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसके लिए आपका प्रमोशन भी जो है रुका हुआ था, प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन साथी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है, जिससे आप बड़े सदस्यों की मदद से दूर करने में कामयाब रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन एकांत में समय व्यतीत करें, और अगर यात्रा कर रहे हैं तो दोस्तों आज के दिन यात्रा ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि दोस्तों ग्रह सितारे हमें इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि इस समय यात्रा करने से आपको थोड़ी बहुत कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, आपके लिए छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों अगर हो सके तो यात्रा स्थगित रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, लापरवाही किसी काम में नहीं करना है, और कार्य क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था तो उसमें लापरवाही ना दिखाएं, नहीं तो यह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आपको अपने शारीरिक कष्टों को अनदेखा नहीं करना है। माता पिता से आप अपने मन की किसी बात को साझा कर सकती हैं। विद्यार्थी ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं।
जिनमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सितारे कहते हैं कि व्यवसाय के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, अति उत्तम समय रहने वाला है। जी हाँ, जो लोग व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, घर से दूर रहते हैं, उन्हें आज कोई बड़ी शुभ समाचार प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से आज आपको राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, अति उत्तम रहने वाला है। आपको संतान के कैरियर की चिंता थोड़ी बहुत सता सकती है, लेकिन अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जी हाँ, अपनी जिम्मेदारियां जो है खरे उतरेंगे, जिसे देखकर परिवार के सदस्य भी आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन आप अपने किसी कामों को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो आपकी वह समस्या भी आज दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार के दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। आज के दिन आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। जी हाँ, और राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमा रहे लोगों को आज किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके कुछ विरोधी आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो वो लोग आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव साक्षात महादेव जी का हाथ है। यदि आपका कोई लंबे समय से कार्य रुका हुआ था तो वह भी देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से पूरा होने वाला है, जिससे के बाद जो है तनाव आपका कम होगा। लेकिन आप किसी के कहने में आकर आज कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप दूसरों के कहने पर आकर कोई निवेश करते हैं तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकता है। कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप दोबारा जरूर सोच लें, और अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट जानकार व्यक्ति है तो आप उनसे सलाह मशवरा ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपको खुशी होगी और आपके साथ साथ आपके पूरे घर वालों को भी खुशी होगी। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यवसाय में आपको किसी अपरिचित व्यक्ति से आज लाभ हो सकता है। जी हाँ, कोई अनजान व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हैं, उनसे आज आपको लाभ हो सकता है, लेकिन सतर्क रहिएगा, आपको धोखा भी मिल सकता है। जी हाँ, और कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अधिकारियों द्वारा आज आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, और यदि घर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो उसे घर से बाहर न जाने दें, नहीं तो लोग इसका फायदा उठा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ही को ध्यान रखना होगा, नहीं तो आगे चलकर आप ही को पछताना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। जी हाँ, आप अपनी जरूरत की कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़े और अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आप समय निकालने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, और आपने यदि कोई काम मन में सोच कर रखा था तो वह भी आज पूरा हो सकता है, जिसके बाद परिवार के किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और छोटे बच्चे मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। जी हाँ, समय बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसी ग्रह सितारे हमें संकेत दे रहे हैं। यदि जीवन साथी से आपके कुछ मतभेद चल रहे थे तो वह भी आज के दिन दूर होंगे। जी हाँ, व्यापार में आपको अपनी आंख व कान
खुले रखकर आगे बढ़ें, नहीं तो आपको कोई समस्या हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है। विरोधी आपसे बहुत प्यार से पेश आएंगे, जिन्हें आपको पहचानना होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो दिक्कत होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन खुशी के मारे गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अगर हो सके तो ये उपाय आप जरूर करना। इस उपाय में आपको कोई भी पैसा, कोई भी पूंजी नहीं लगेगा। जी हाँ, आपको सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन से ये उपाय करना है। यदि आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन अपने छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर दें। इससे धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगेगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो ये छोटा सा उपाय है, अगर आपको समय मिलता है, मौका मिलता है, तो आप जरूर करना। इसका लाभ आप अपनी आंखों से देखोगी। जी हाँ, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप एक नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वह आज के दिन कर सकती हैं, जिसमें आपके परिजनों का पूरा साथ मिलेगा। आप संतान को कोई वाहन भी दिलवा सकते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना भी बना सकती हैं। जी हाँ, आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो वह पहले से मजबूत होगी और आपका कोई पुराना कर्ज भी काफी हद तक समाप्त होगा, जो आपको खुशी देगा। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, विश्वास और प्रयास अगर सच्चा हो, एक न एक दिन सफल जरूर होता है, एक न एक दिन कामयाब जरूर होते हैं। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज के दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ, यानी कि आपको आज धन कमाने के नए नए रास्ते दिखाई देंगे और आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं आज गति पकड़ेंगी, जिसमें अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगे और रुका हुआ काम आपका बनने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि किसी काम को लेकर चिंता आपकी बनी हुई थी, तो वो चिंता भी आज समाप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, सितारे कहती हैं कि आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपकी आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीज़ों की खरीदारी पर पूरा खर्च करेंगे और परिवार के लोगों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें, कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकती हैं। जी हाँ, और आपको किसी नए शाम की शुरुआत करना अच्छा लगेगा और इस समय आपको उसमें लाभ भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने निजी व प्रोफेशनल जीवन में तालमेल बिठाने में कामयाब रहेंगी, नहीं तो आपके घर या बाहर कहीं लोग आपसे नाराज हो सकती हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकती हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी, तो आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो वह समस्या बाद में आपको कोई बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको आर्थिक क्षेत्र में अपने साथी के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर्स के कामों पर ध्यान नहीं दिया है, तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें सावधानी बरतें। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। माता जी से आपकी किसी बात पर झड़प भी हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों,
कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा और आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं आज गति पकड़ेंगी, जिसमें आप अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह समय मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके कुछ खर्चे बढ़ने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों परेशान होने की बजाय मन को शांत रखें। लेकिन किसी प्रेम से संबंधित मामले में आप दिल की जगह दिमाग की सुने, नहीं तो आपकी कोई जो है इच्छा अधूरी रह सकती है। आप अपने घर की मरम्मत आदि कराने में विचार विमर्श कर सकती हैं, जिसमें भी आप अच्छा जो है खासा धन लगाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के साथ पिकनिक पर जाने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कार्यों के लिए कोई उपहार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पूरे लगन से मेहनत से काम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगा। दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। आप एक्स्ट्रा एनर्जी से भरपूर रहेंगी, जिसके कारण आप अपने भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान लगा सकती हैं। संतान के करियर को लेकर यदि कुछ समस्या थी तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और काम के सिलसिले में आप छोटी दूरी यात्रा पर जा सकती हैं, जो आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपको अपने रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो बाद में आपको उनसे समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए किसी जरूरी कार्य को करने में सावधानी बरतने के लिए भी रहेगा। जी हाँ, लापरवाही और आलसी करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। आपको नौकरी में मन मुताबिक काम मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, और यदि जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको व्यापार की कुछ योजनाओं संबंधित आवश्यक जानकारी किसी के सामने लीक करना दिक्कत हो सकता है और लोग इसका फायदा भी उठा सकता है, और आपको लेन देन से संबंधित कोई फैसला बहुत ही सावधानी से लेना होगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, लापरवाही और आलसी करने से बचिएगा, बाकी समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। भाग्य आपका 77% साथ दे रही है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर बातों से आप सहमत हैं, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।